नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप तो जानते हैं मैं आदत से मजबूर हूँ। बाबा नायका पे चले जाते हैं और कोई चीज पसंद आ जाती है, मैं उसको परचेज कर लेती हूँ। तो फिर मैंने दोबारा से यही क्या है, तो मैंने मंगाई थी तीन चीजें, तो आई हैं दो बन में, दो बॉक्स में, और इसमें एक है सरप्राइज गिफ्ट मेबलिन की तरफ से, क्योंकि उसमें उन्होंने दे रखा था कि कुछ 1,000 से ऊपर का लेने पर आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो वीडियो क्लास में मैं लगा दूंगी कि मैंने क्या परचेज किया था और कितने रुपए में वो मुझको पड़ा है, ठीक है? पैसा जो भी आप आइटम मंगाएंगे वैसे तरीके की पैकेजिंग में आता है, हमेशा जिपलॉक में, यहाँ पर चाहे आप ब्रश मंगाओ चाहे कुछ भी मंगाओ, पैकेजिंग यही रहती है ब्लैक कलर की, ठीक है? समझ में आ गया? तो इसे मैंने जब नायका में पढ़ा था तो उस पर लिखा था रेट्रो मैट ग्लॉस मिनी 29 मोल्टन पिंक, ये सब मैंने लगा रखी है। ग्लॉस मिनी लिखा था, 195 इसका एमआरपी है और 65 रुपीज पर एमएल, मतलब इसमें टोटल क्वांटिटी है 3 ml की और 65 रुपीज पर एमएल है इसके अंदर, और 195 इसका एमआरपी है, और इसमें लिखा था रेट्रो मैट ग्लॉस मिनी। ये ग्लॉस है? नहीं, मैट है ये एकदम। मैंने सोचा था वाइब्रेंट कलर का ये ग्लॉस होगा, लेकिन ये जब मैंने शुरू में इसको लगाया तो इसमें थोड़ी सी शीन थी, मतलब शाइन थी, थोड़ी चमक सी थी, लेकिन आधे सेकंड बाद ये हो गया बिल्कुल मैट। ये इसके अंदर से पैकेजिंग, क्यूट है पैकेजिंग तो, है ना, अच्छी लगी। और ये है इसका, नहीं मैंने लगा रखा है। इसको लगाने के बाद मैंने ब्रेड पकौड़ा खाया था तो उससे ये उतर गई है। ट्रांसफर प्रूफ फुल्ली नहीं है पर है ट्रांसफर प्रूफ, लेकिन ऑब्वियसली खाने के बाद हर कोई लिपस्टिक उतर जाते है, ये भी उतर गई, पर ये ग्लॉस नहीं है, मैट लिपस्टिक है। सेकेंड है ये मेबलिन न्यूयॉर्क लिप ग्लॉस, पर्ल है इसका शेड और एमआरपी है 799 रुपीज और 5.4 ml है इसका क्वांटिटी इसके अंदर। तो मैं आपको, अच्छा हुई मैंने मंगा लिया। मुझे ग्लॉस चाहिए था आपके पास, मैट लिपस्टिक लगाते लगाते ना मैं बोर हो गई, तो मुझे चाहिए था ग्लॉस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इससे तो मेरा दिल खुश हो गया इसको मंगा के। तो फिर उसमें यह था कि आपको थोड़ा सा और शॉपिंग करनी जिससे आपको फ्री गिफ्ट मिल जाए। थर्ड लिया है मैंने ये मेबलिन फिट मी न्यूयॉर्क मैट पोरलेस 16 आवर ऑयल कंट्रोल SPF 22 3 32। आपको दिख रहा है शेड कैसा है? और ऐप में ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है। तो इस फाउंडेशन का प्राइस है 629 रुपीज़। अगर आप शुरू से मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता ही है कि मैं सिर्फ मैक का ही फाउंडेशन यूज करती हूँ, और मैंने स्टोर पर ही जाकर लिया था जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो जाए शेड में, क्योंकि कॉस्टली है मैक का, और मैं कहीं भी जाती हूँ मतलब फंक्शन वगैरह में तो मैक का ही यूज करती हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए मैं मैक का ही फाउंडेशन यूज करती थी, मतलब सप्ताह में 3 बार बनाती थी, तो तीनों बार मैं मैक का ही फाउंडेशन लगाती थी। तो मुझे उसमें बुद्धिमता नहीं नजर आई कि सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए आप इतना कॉस्टली मैक का फाउंडेशन यूज करो, क्योंकि अभी इतनी मेरी इनकम नहीं है, इतनी क्या भी मेरी इनकम है ही नहीं अभी यूट्यूब से, तो इतना अफोर्ड करना काफी भारी पड़ जाता है मेरे लिए। तो इसलिए मैंने स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन लिया, नायका का लिया, तो ये दोनों थोड़े लाइट शेड कर, नायका और स्विस ब्यूटी के मैंने फाउंडेशन लिए थे तो दोनों लाइट शेड के आ गए। ऑनलाइन खरीदने में ये प्रॉब्लम होती है, तो नीचे ऑरेंज लगाने के बाद भी करते हैं ना तो मुंह जोम्बी सा नजर आता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं एकदम सफेद दी की चमकार। तो उसको मिक्स एंड मैच कर देती, मतलब ऑरेंज नीचे लगाकर उसके बाद डार्क कंसीलर लगा के, मैं गया बड़ी लेयरिंग हो जाती है इससे, तो इसलिए मैंने ये वाला मंगाया है। ये थोड़ा सा येलोइश है तो मिक्स एंड मैच इसके साथ करूंगी मैं। तो ये दोनों अभी पूरे भरे हुए हैं, मतलब थोड़ी सी भी उनकी क्वांटिटी खत्म नहीं हुई, तो उनको वेस्ट करना अच्छा नहीं रहेगा, और कंसीलर लगाने से थोड़ी हैवी हो जाता है ना कंसीलर, तो इसलिए मैंने ये फाउंडेशन मंगाया है। तो दोनों को मिक्स एंड मैच करके मैं अपने फेस पे लगाऊंगी तो सही कलर आ जाएगा। पंप है ये, इसमें थोड़ा सा निकालती हूँ तो एक्चुअल शेड है इसका ये, पर ये तो मेरे स्किन के कलर से सही मैच जा रहा है, ये तो मिक्स एंड मैच करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। देगी देखिए, देखो ये तो सही जा रहा है यार, मैं तो सोच रही थी थोड़ा ऑरेंज है ये कलर तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल सही जा रहे।
ये कलर लेने का आइडिया मुझे, मैंने पूछा था ऑनलाइन, जैसे वो चलती है ना लाइव जाता है, कई जो मेकअप करते हैं लाइव जाता है, तो उनसे मैंने पूछा था, मैंने कहा कोई शेड बता दीजिए येलो स्टोन का, क्योंकि मुझे येलो चाहिए था, कंसीलर थोड़ा हैवी हो जाता है, मैं कहा थोड़ा मिक्स कर लूंगी, तो उन्होंने कहा था कि ये येलो टोन का है, लेकिन ये येलो टोन तो है ही नहीं, ये तो मेरे मैच जा रहा है सही, इसमें तो कोई मिक्स करने की जरूरत नहीं है, मेरा है मैक का NC42 शेड है, तो जिनका NC42 शेड है मैक में वे ये परचेज कर सकते हैं, 332 मेबलिन का फिट मी, लेकिन NC42 थोड़ा सा स्लाइटली सा डार्क आएंगे, थोड़ा सा डार्क नन्ना सा बस, तो मुझे NC40 लेना था, पर मैंने NC42 लिया, लेकिन ये बिल्कुल मेरे शेड से मैच, मतलब मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच कर रहा है ये 332। देखिए तो दोस्तों, आज की अनबॉक्सिंग वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई सजेशन है तो कमेंट्स करके आप मुझको बता सकते हैं, तो ये तीन प्रोडक्ट हैं मैंने परचेज किए थे, इनके लिंक नीचे दे दूंगी और SS भी दे दूंगी, परचेज कहाँ से क्या कितने रुपए का पड़ा, तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, नमस्कार।